जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था, और जैसा कि आप मेरे टाइटल और थंबनेल से जान गए होंगे कि जो आज जो वीडियो है ना वो हमारे मरुधर एक्सप्रेस का जो है ना वो होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 10 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक जयपुर में हो रहे IRCTC के मीटिंग के द्वारा जो है ना वो यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ना मऊ रेलवे स्टेशन तक जो है वो मरुधर एक्सप्रेस का यहाँ पे ना एक्सटेंड का जो है ना वो बात यहाँ पे किया गया था। लेकिन मैं अभी आपको बताऊँ कि जो खबर है ना वो सामने आई है कि IRCTC मीटिंग यानी जो 10 से लेकर और 12 अप्रैल को हो रहा था जयपुर में, उस मीटिंग में ना इस मरुधर एक्सप्रेस को आगे एक्सटेंड करने की जो बात है ना वो तो अभी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। और ऐसा यहाँ पे कैंसिल इसलिए यहाँ पे किया गया है क्योंकि जैसा कि इन्होंने लोग बता रहे थे कि मऊ रेलवे स्टेशन पे जो है वो अभी पीट लाइन की यहाँ पे कमी है, और यहाँ पे मऊ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे अभी आपको मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस जो वाया आपका जौनपुर सिटी होते हुए सुल्तानपुर होते हुए जाती है, और एक आपका मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस जो वाया आपको शाहगंज के रास्ते अयोध्या होते हुए जो ट्रेन है वो दिल्ली तक जाती है। इन दोनों ट्रेनों का यहाँ पे हफ्ते में दो दो दिन का जो संचालन है ना वो यहाँ से मऊ रेलवे स्टेशन से होता है, और ऐसे में यहाँ पे मऊ स्टेशन पे यहाँ पे पीट लाइन की कमी होने के कारण यहाँ पे मरुधर एक्सप्रेस को और यहाँ पे रेल ट्रैक दोहरीकरण होने के मतलब नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ों का यहाँ पे मतलब एक प्रस्ताव मतलब यहाँ पे ना कमी दिखाकर जो है ना वो इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है कि यह जो ट्रेन है वो अभी मऊ तक जो है ना वो नहीं एक्सटेंड होने वाली है। लेकिन यहाँ पे रेल ट्रैक दोहरीकरण हो जाने के बाद क्योंकि जो मरुधर एक्सप्रेस है ना वो आप साफ साफ यहाँ पे पूरा जान सकते हैं कि जो मरुधर एक्सप्रेस है वो वाराणसी सिटी पे ना लगभग और लगभग आप 7 से 8 घंटे तक जो पूरी ट्रेन है ना वो यहाँ पे खड़ी रहती है, क्योंकि मरुधर एक्सप्रेस सुबह जो है ना वो आ जाती है और फिर यहाँ से शाम को जो ट्रेन है ना वो जाती है, शाम को 5 या 6 बजे जो ट्रेन है ना मरुधर एक्सप्रेस वो जाती है। तो इसको ही लेकर जो है यहाँ पे IRCTC मीटिंग में ना इस रूट के चलते और यहाँ पे पीट लाइन ना होने की वजह से ना मतलब इस ट्रेन को यहाँ पे अभी कैंसिल किया गया है इस मरुधर एक्सप्रेस को लेकर। आगे भविष्य में मरुधर एक्सप्रेस और यहाँ से जो ट्रेन है ना मतलब एक मऊ से एक आपका ना श्री माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन अगर चलाई जाएंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सहूलियत ना है वो यहाँ भी यात्रियों को मिलने वाले हैं। वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे समर स्पेशल के रूप में यहाँ से मऊ से और जोधपुर के बीच ना एक ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है, और उस ट्रेन का भी अभी रेवेन्यू ना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पहले अभी रेलवे बोर्ड ने मऊ से और जोधपुर के बीच एक समर स्पेशल ट्रेन चलाकर देखा है कि क्या मरुधर एक्सप्रेस अगर एक्सटेंड होती है तो इसकी रेवेन्यू जो है ना वो कैसी होती है। तो आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि अभी जो मरुधर एक्सप्रेस जो वाराणसी सिटी से और जोधपुर के बीच चलती है तो उसका अगर हम लोग एक्सटेंशन जो है वो मऊ तक कर देते हैं तो मऊ और वाराणसी सिटी के बीच जो है ना वो 1 या 2 स्टॉपेज देने की बात की गई थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक आपका दुल्लापुर और एक जो है ना वो औढ़ियार यहाँ पे ना देने वाले थे लोग। तो वैसे देखा जाए तो मतलब 100% में 10% ही जो रेवेन्यू है ना जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मऊ से जोधपुर के लिए जो है ना वो इन टू इंट आ सके। वैसे इस ट्रेन की जो बुकिंग है ना वो आप लखनऊ तक कर सकते हैं, ऐसे टुंडला आगरा फोर्ट भी तक कर जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेन है वो लखनऊ कानपुर सेंट्रल कानपुर आगरा फोर्ट वगैरह जो है ना वो होते हुए जो ट्रेन है वो जोधपुर तक जाती थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अभी रेलवे ने जो मऊ से जोधपुर के लिए जो समर स्पेशल ट्रेन चलाई है इस ट्रेन के संचालन के बाद ही इस पे एक बार और फैसला लिया जाएगा कि क्या यह जो ट्रेन है वो चलाने के लायक है या फिर नहीं है, इसकी रेवेन्यू जो है वो क्या होती है मऊ से जोधपुर के बीच, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मऊ से जोधपुर तक जो टिकट है ना वो इन टू इन जनरल वेटिंग लिस्ट में जो है ना वो आने वाला है। और बाकी यहाँ पे मऊ स्टेशन पे पीट लाइन और वाराणसी सिटी यानी औढ़ियार यानी आप पूरा जो औढ़ियार भटनी रेल खंड पे ना यहाँ पे रेल ट्रैक दोहरीकरण ना होने की वजह से इस ट्रेन को अभी IRCTC मीटिंग में जो है ना वो यहाँ पे अभी प्रस्ताव को यहाँ पे कैंसिल किया गया है।
हो सकता है आने वाले टाइम पे जो है ना वो ट्रेन को फिर से संचालन की व्यवस्था किया जाए। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी लोग का। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरों तक जरूर शेयर करिए।